नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर योर वीकनेसेस, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। मेरा नाम है अभिनव, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एप्को इंग्लिश एकेडमी इस चैनल में। दोस्तों, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसका आंसर काफ़ी लोग देते हैं कि सर आई डोंट हैव एनी वीकनेस। ये आंसर दोगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं इस दुनिया में जिसका कोई वीकनेस नहीं होता। अब सेकेंड प्रॉब्लम ऐसा आता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, आई कैन नॉट वर्क अंडर प्रेशर। ऐसे वीकनेस मत बताओ, क्योंकि ये अगर आप वीकनेस बताओगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हो तो जो टीम वर्क होता है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर हर बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगा तो काम कैसे बढ़ेगा, टीम वर्क नहीं हो पाएगा, आपके कारण वर्क कल्चर ख़राब हो सकता है अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हो। तो अगर आपने बोला कि सर आई कैन नॉट वर्क अंडर प्रेशर, आईटी कंपनी है तो प्रेशर तो रहेगा, प्रेशर के अंडर आपको काम करना ही पड़ेगा, ये अगर वीकनेस बताओगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाएगा। तो आपको ऐसे वीकनेसेस बताने हैं जो कंपनी के रिलेटेड ना रहे, जैसे कि सर आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हैंड राइटिंग और आईटी कंपनी कोई रिलेवेंस नहीं है। आईटी कंपनी में आप एवरीथिंग, आप जो भी चीज़ें करते हो आप कंप्यूटर से करते हो, टाइप करते हो आप, वहाँ पे आपको कोई लेटर तो लिखना नहीं है। बट सेम अगर आपने बोला आप टीचर जॉब के लिए जा रहे हो और आपने बताया कि माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वहाँ पर हैंड राइटिंग कंपल्सरी है, क्योंकि आप टीचर पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आईटी कंपनी में नहीं है। तो एक वीकनेस सभी जगह पे फिट नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उसका वो वहाँ पे रिलेवेंस उसका नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्विमिंग नहीं करनी है आपको आईटी कंपनी में। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका शटल आएगा, कैब आएगी, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको कार नहीं आती तो। पर जब भी आप वीकनेस बताओगे तो उसके साथ उसका सोल्यूशन भी दो, ताकि उनको लगना चाहिए कि इस बंदे के अंदर ये वीकनेस है एंड ही इज़ विलिंग टू ओवरकम दैट वीकनेस। जैसे आपने बताया सर आई डोंट नो हाउ टू स्विम, बट वेन आई गेट इनफ टाइम और फ्री टाइम आई विल ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस। आपने बताया आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, बट सर डेफिनेटली आई विल ज्वाइन अ ड्राइविंग स्कूल वेन आई गेट फ्री टाइम। तो जब भी आप वीकनेस के बारे में बात करोगे, पहली चीज़ वो आपके जॉब के रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और उस वीकनेस के साथ आपको एक प्लस पॉइंट भी बताना है कि सर आई एम विलिंग टू ओवरकम दैट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो शेयर करो व्हाट्सएप पे, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।